नमस्कार आदाब। देश और राज्य की विशेष खबरों के साथ न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं घनश्याम कृष्णा। स्वागत है आपका एनसी न्यूज की दुनिया में। पेश है एक विशेष रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले न्यूज हेडलाइंस। चालीस मैट्रिक टन ऑक्सीजन यानी कि प्राण वायु लेकर गोरखपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। जी हां, खैबर गोरखपुर से है जहां पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर स्पेशल ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ऑक्सीजन को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। 12 घंटे का सफ़र तय कर गोरखपुर के स्टेशन पर पहुंची 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, जिसे कड़ी सुरक्षा में दो कंटेनरों में लाया गया था। ऑक्सीजन आने से गोरखपुर मंडलवासियों को एक तरफ जहां ऑक्सीजन की शिकायतें रहती थी वह दूर हो गई। इस कंटेनर को सुरक्षित और संरक्षित तरीके से गोरखपुर लाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे महामंत्री जेपी गुप्ता ने बताया कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार रात्र 11:52 पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर चली है। उन्होंने बताया कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर स्टेशन पर पहुंची है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के यहाँ पहुँचने से लोगों को एवं मरीजों को काफ़ी राहत मिली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ आई, अचानक हम लोगों को कल पता चला है। हम लोगों ने खुशी से ओतप्रोत होकर के धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि जिस अधिकारी के चलते, जिन कर्मचारियों के चलते, जिन मेडिकल कर्मचारियों के चलते ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ आई है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की ओर से हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक इस गोरखपुर में नहीं, पूरे देश में दवा और ऑक्सीजन के अभाव में किसी की देहांत ना हो। इसलिए इस गाड़ी के आने के बाद हम पुष्प गुच्छ दे करके पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के हम पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है। ये जब मेडिकल कॉलेज और इस गोरखपुर के तमाम अस्पतालों में स्टोरेज होगा, उसके बाद हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी और कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन और दवा के अभाव में उसकी देहांत नहीं होगी, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इस महामारी में रेल का क्या योगदान रहा है? इस महामारी में सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि अगर कहीं भी हम लोग सुनते हैं कि कोई कर्मचारी बीमार है तो हम लोग तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे भटनी के एक कार्यकर्ता की माताजी का काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया रात में, और रात में 9:30 हम लोग आकर के ललित नारायण रेलवे चिकित्सालय में उसको भर्ती कराए, और भर्ती कराने के पश्चात उनकी क्या और समस्याएं हैं वो सारा हम लोग उसमें उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी अपनी प्रशंसा करने में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी थी। अभी आम नागरिक यही कह रहा है कि सही जगह पर सही समय पर दवा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सरकार भी उसमें लगी हुई है, प्रयास कर रही है। हम भी चाहेंगे कि अगर जहां तक हम लोगों को पता चलता है सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं कि दवा और दुआ साथ में ऑक्सीजन प्राप्त हो। सही समय पर दवा नहीं मिल पा रही है, क्या ऑक्सीजन एक्सप्रेस है संजीवनी का काम करेगी? जी, दवा तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी दवा मिलने का प्रयास कराया जा रहा है। ऑक्सीजन से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। अभी ऑक्सीजन के कारण बहुत बार देखा गया पेपर में कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण लोगों की जान चली गई, 5-5, 6-6, 10-10 लोगों की प्राण वायु निकल गई। ऐसे स्थिति में गोरखपुर में आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ गई है, अब इसके अभाव में किसी की देहांत नहीं होगी। मेरा नाम जेपी गुप्ता है, मैं महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ। हम लोग इस 59,000 कर्मचारियों का यहाँ यूनियन करते हैं, साथ में ये चाहते हैं कि कहीं कोई अभाव में न मरे। कोरोना बीमारी में अपने अपनों से दूर हो गए, आस पड़ोस के लोग भी कोरोना की वजह से मदद के लिए आगे नहीं आए, लिहाजा बहुत से लोग इस बीमारी से बेसहारा और लाचार ही नहीं हुए, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए भी किसी की बाट जोहते रहे या फिर यूं ही नदी में बहा दिए गए। लेकिन ऐसे समय में बनारस में एक शख्स कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में जुटा है। उसने अब दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार भी किया। इस काल में उसकी ये पहल इंसानियत की बड़ी मिसाल बनी है।
वाराणसी के पवित्र मणिकर्णिका घाट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार करती यह कात्यायनी है। कात्यायनी का कोई भाई नहीं, सिर्फ तीन बहनें हैं। वकील पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें कोरोना नहीं था, फिर भी उसका ऐसा खौफ कि कोई भी उनके आसपास लोग उनकी डेड बॉडी को छूने भी नहीं आए। परिवार के दूसरे सदस्य भी बीमार थे, लिहाजा वो भी नहीं पहुंच पाए। तब इन बहनों ने ही अपने पिता के अंतिम संस्कार की ठानी। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए शरीर को नैलान था तो भाई बनकर बेटे का फर्ज निभाने एक अनजान फरिश्ता आता है। कात्यायनी बताती है, हम पापा को लेकर घर पर आए थे। घर पर क्रीमेशन से पहले जो नहलाना होता है वह महिलाएं नहीं करती। अगर पुरुष मेंबर है तो महिलाएं नहीं करते। सारा कुछ अमन और उसके दोस्तों ने किया। उसके बाद घाट तक गई और जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ पूरे टाइम वहीं पर खड़े रहे। अमन हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं थे। मतलब उस समय जब हमारे पास कोई नहीं था, कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था, हमारे सगे संबंधी या पड़ोसी कोई नहीं था, उस समय अमन हमारे साथ सामने आए तो देवदूत की तरह जिसने हमारे लिए मदद की। मणिकर्णिका घाट पर इच्छिता की मुखाग्नि में अकेले पड़े एक शख्स की मदद करने वाला ही अमन कबीर यानी गोलू है, जो इस समय बनारस में कोविड के असहाय लोगों का सहारा बना हुआ है। अस्पताल से लेकर मणिकर्णिका घाट तक अमन किसी न किसी की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते इस तरह मिल जाएंगे। ऐसे कितने हैं जिनकी अमन ने एक आवाज पर मदद की। इस कोरोना काल में अपने सगे संबंधी जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं वह रिश्तेदार हो गए। वह एक पल अब आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वह चाहेंगे कि हम कैसे किनारा काटना। यह बंदा खड़ा होकर के उनके घर से बॉडी उठाने से लेकर पवित्र मणिकर्णिका घाट तक गाड़ी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करता है। चिता की पूरी व्यवस्था पेच इतना कौन करता है। कोविड 19 में जब लोग किसी को पहचान नहीं रहे हैं तब ऐसे में ये एक फरिश्ता पवित्र मणिकर्णिका घाट के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी से रवि तिवारी की रिपोर्ट। कैसे क्या करें और क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आया था। और अमन उस टाइम पे हमारे पास आए थे और हमारे लिए वो बस यही कह सकते हैं कि देवदूत थे, भगवान का ही भेजा हुआ कोई मैसेंजर है, जो भी कह सकते हैं आप, वो ही थे। और सारा कुछ उसके बाद पापा को यहाँ तक लेके आना, फिर उसके बाद उनको पूरा जो तैयार करते हैं, जो उससे पहले के जो भी क्रियाकर्म होते हैं वो सब कुछ उन्होंने किया। फिर हम सारे लोग जाके उनको मणिकर्णिका लेके गए और दाह संस्कार। जब तक सारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तब तक अमन पूरे टाइम हमारे साथ थे। अमन और उनके बाकी सारे फ्रेंड्स जिनको उन्होंने बुलाया था वो सब। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम कात्यायनी सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री गिरिजेश प्रताप सिंह। मेरे पिता 28 को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद हमने एम्बुलेंस कॉल किया। एम्बुलेंस से हम उन्हें लेके कबीर चौरा हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में उन्हें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स दिए गए और डॉक्टर के सामने सेकेंड स्ट्रोक आया और वो वहाँ डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। और वहाँ पे हमारे साथ मतलब हम तीन बहनों के अलावा और कोई भी नहीं था। और डॉक्टर्स का लगातार कहना था अपने घर से किसी मेल मेंबर को आप बुलाइए, बट वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसको हम कॉल कर सकें।
क्योंकि मेरे बड़े पिताजी एक ऑलरेडी क्वारंटीन में थे और दूसरे मेजर हेल्थ इशूज़ है उन्हें, तो हम दोनों में से किसी को भी वहाँ पे बुला नहीं सकते थे। वी वी आर कम्प्लीटली ब्लैंक। ऐसे सिचुएशन में अमन जो यहाँ पे एक सोशल वर्कर के तौर पे काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी सारा काम किया, उनका काम पहले से मैं जानती थी, लेकिन वहाँ पे वो सामने से आए और उन्होंने हेल्प ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, अगर कोई मेल मेंबर नहीं है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ चलेंगे और जो भी सारा कुछ करना होगा आप बस खड़े रहना, हमें बता देना, हम सब कुछ आपके साथ करेंगे। आप बिल्कुल, अब उन्होंने सामने से कहा कि आप ये मान लीजिए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप बस मुझे बताते जाना। और उसके बाद हम पापा को लेके घर पे आए थे और घर पे जो क्रिमेशन से पहले तैयार करना होता है और सारा कुछ वो महिलाएं नहीं करती हैं, अगर पुरुष मेंबर है तो फिर महिलाएं वो नहीं करती हैं, सारा कुछ अमन और उसके मित्रों ने सब कुछ तैयार किया। उसके बाद हम उनके लेके घाट तक गए और जब तक दाह संस्कार कंप्लीट नहीं हुआ अमन पूरे टाइम हमारे साथ खड़े थे। अमन को किस रूप में? अमन हमारे लिए देवदूत थे, मतलब उस समय जब हमें कोई नहीं नजर आ रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था, हमारे सगे संबंधी या हमारे पड़ोसी कोई भी ऐसा हमारे साथ नहीं था, उस समय अमन हमारे साथ सामने आए, जैसे हमारे लिए वो साक्षात देवदूत है जिसने उस समय हमारी मदद की। सुंदर हैं दोनों, जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे किसने कहो यारा, जग में सुंदर हैं दोनों, जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे किसने कहो में एक चुराब दिखी मेरे दिल में काम, बीच में एक चुराब दिखी मेरे दिल में काम, प्रेम भाव के भरे अनोखे हैं दोनों के काम, जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे किसने कहो भजन के मिलता है विश्राम, जग में सुंदर है वो नाम, चाहे किसने कहो या राम, जग में सुंदर है वो नाम, चाहे किसने कहो या राम। खबरों की इन्हीं श्रृंखलाओं के साथ न्यूज टीम को दें इजाजत, हाजिर होंगे जल्दी विशेष रिपोर्ट के साथ, देखते रहिए एनसी न्यूज़।